जमशेदपुर वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही खुलेगा प्रोफेशनल कॉलेज। 86 बस्तियों के मालिकाना हक की सारी प्रक्रिया भी होगी पूरी। लौह नगरी के विकास में नहीं आएगी कोई बाधा, मुख्यमंत्री रघुवर दास का दावा। पूर्व मेयर अफजल इमाम को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, दोबारा मेयर बनने का रास्ता तकरीबन साफ। नगर पार्षद विनय पप्पू की याचिका खारिज। पटना के डिप्टी मेयर के पद पर अफजल इमाम, गुट का कब्जा। अमरावती देवी बनी नई डिप्टी मेयर, कड़े मुकाबले में पिंकी देवी को दी शिकस्त। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन, धमकी देने वाले शख्स ने खुद को बताया लश्करे तैयबा का सदस्य। पटना के सलीमपुर अहरा में एक युवक ने की खुदकुशी, कोलकाता का रहने वाला था प्रसेनजीत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद सरकारी बस डिपो की हालत खस्ताहाल, डिपो में काम करने वाले 26 डिपो कर्मचारी मुफलिसी में जीने को मजबूर।